हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपने पिछले सेशन में कि हम एक नई यूनिट को डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 17, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड एनवायरमेंट। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने कुछ ब्लॉक्स कवर नहीं किए हैं या कुछ चैप्टर्स कवर नहीं किए हैं तो ज़रूर से कवर कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और आप मुझे अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल का नाम है इग्नू ई पाठशाला। अगर आपको कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक आपकी पीडीएफ की बात रही तो आपको पता ही है कि अब मैं टेलीग्राम चैनल पे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा इग्नू स्क्वाड और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगर आपको पीडीएफ की कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो वो आपको मिल पाए। ठीक है। और मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में पूछा था कि आप लोग अब क्या चाहते हैं कि मैं IBO 2 स्टार्ट करूं या IBO 3, लेकिन मुझे अभी तक किसी की तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिला है। तो शायद आप लोग ने वीडियो को पूरा देखा भी नहीं है, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा होता तो शायद उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देते। तो इसीलिए मैं आपसे ये दोबारा पूछ रही हूँ कि आप मुझे बता दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए, तो मैं उसी हिसाब से आपके लेसन्स को प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर अ लेसन और कंटेंट। ठीक है, तो मुझे पहले से बता दीजिए तो मैं उसका कंटेंट तैयार करके रखूं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड और एनवायरनमेंट के बारे में। ट्रेड और एनवायरनमेंट में शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। ठीक है, क्यों रहे हैं इस बात को समझ लीजिए। जब ट्रेड पहले नहीं था इतना ज़्यादा, कंट्रीज जो थी वो ग्लोबलाइज नहीं थी इतनी, तो जो ट्रेड होता था वो कंट्री के अंदर ही होता था। ठीक है, कंट्रीज आइसोलेशन रहती थी तो इतना ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन जब से ट्रेड होना शुरू हो गया, जब से कंट्रीज ग्लोबलाइज हो गई हैं, तब से हमारा ट्रेड भी बढ़ गया है। ठीक है, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने लग गए हैं, नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लग गई हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी बुरा अफेक्ट भी आना शुरू हो गया है। ठीक, तो एनवायरनमेंट और ट्रेड, इन दोनों को बैलेंस करके चलना एक बहुत ही बड़ा क्या है, चैलेंज है। ठीक है, तो इसीलिए जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं इनके बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट होती है। एनवायरमेंटलिस्ट का क्या कहना है कि ट्रेड की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, वहीं ट्रेड इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ट्रेड और एनवायरमेंट इन दोनों को हमें सेपरेट रखना चाहिए, इनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए, और अगर एनवायरमेंट पे किसी चीज़ का बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए अलग से अग्रीमेंट्स होने चाहिए, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज अलग से फ्रेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। The concern for preserving the sanctity of the domestic environment has extended to a greater regard for safeguarding the global environment. Contemporary issues like the degradation of natural resources, conservation of wildlife, depletion of ozone layer, and health and safety standards have begun to dominate the trade and environment debate in the recent years. तो इन इश्यूज के बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शायद अपने जूनियर सेक्शन से जब हमने EVS पढ़ना शुरू किया था तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा था और डिस्कस भी किया था, है ना, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ है, उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, है ना। हमारी जो ओजोन लेयर है उसका भी बहुत तेज़ी से डिप्लीशन हो रहा है। ठीक, तो इन सब के बारे में हमने अपने जूनियर सेक्शन में भी पढ़ा है, डिस्कस भी किया है, और आज भी वही सेम इश्यूज हैं, लेकिन वो इश्यूज क्या हो गए हैं, एक ब्रॉडर लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वी एज अ ह्यूमन बीइंग हमने एनवायरनमेंट से लिया तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद एनवायरनमेंट को उस तरह हमने लौटाया नहीं है, हमने सिर्फ उसको डिग्रेड किया है, हमने उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया है। इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत थी तो हमने फॉरेस्ट को पूरा कट डाउन कर दिया, तो ये सब क्या है, इन सब का असर कहीं ना कहीं हमको एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि वो इस पर्टिकुलर टाइम पे मिले, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हमको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इंसान
अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डिप्लीट करता जा रहा है, जो कि सीरियसली एक बहुत मेजर इशू है। हम लोग शायद इस चीज को हल्के में लेते हैं या बहुत लोग इस चीज को समझते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो एनवायरमेंटलिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट देयर इज अ डेफिनेट लैकुना इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड गवर्न्ड बाय GATT व्हिच इज नाउ WTO रेजाइम। तो एनवायरमेंटलिस्ट और जो ट्रेड इकोनॉमिस्ट हैं, इनके बीच में हमेशा एक आर्ग्यूमेंट रहता है। डेफिनेट लैक्यूना इन द प्रेजेंट सिस्टम का मतलब हुआ कि गैप, जो गैप है ट्रेड और एनवायरमेंट के बीच में, इसके बारे में इन्होंने बोला है। दे से दैट द गैट हैज मोस्टली रूल्ड आउट ट्रेड मेजर्स और हैज बीन टोटली इन इफेक्टिव इन टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज विच रन डाउन नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रॉय एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एस्टैब्लिश पॉल्यूशन प्रोन इंडस्ट्रीज। तो हमने ऑलरेडी अपने कुछ पिछले सेशंस में डिस्कस किया था WTO के बारे में। तो हमने वहां पे ये जाना था कि पहले ट्रेड तो था, लेकिन WTO के आने के बाद से ट्रेड को एक बूस्टअप मिला, ट्रेड और ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि WTO ने ट्रेड को काफी बढ़ावा दिया था। अब ट्रेड को बढ़ावा देने के चक्कर में जो कंट्रीज एनवायरनमेंट को डिप्लीट करती जा रही थी, उसके रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रही थी और ऐसी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर रही थी जो कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ाएंगी, इनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लिए गए, जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो उनका यही कहना है कि ट्रेड की ही वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ट्रेड इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। ट्रेड इकोनॉमिस्ट ऑन द अदर हैंड फील दैट इट वुड बी फार बेटर टू टैकल द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सेपरेटली थ्रू इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज रादर दैन लुकिंग एट इट एज अ ट्रेड रिलेटेड इशू। अब ट्रेड इकोनॉमिस्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया अपना, कि अगर आपको लगता है कि एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट आपको डिप्लीट हो रहा है, तो आप उसके लिए अलग से अग्रीमेंट्स फॉर्म करिए, अलग से एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज को फ्रेम करिए, लेकिन ट्रेड से उसको डायरेक्टली जोड़ना ये सही नहीं है, ठीक। तो द मेजर टास्क बिफोर द ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स इज हाउ टू रिकनसाइल द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इकोनॉमिस्ट ऑन वन हैंड एंड द एनवायरमेंटल लॉबी ऑन द अदर हैंड एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस नीडेड टू बी मेड इन द न्यू WTO रिजाइन। तो मेजर टास्क यही है कि दोनों को किस तरह से रिकनसाइल किया जाए, ट्रेड और एनवायरमेंट, इन दोनों को किस तरह से बैलेंस किया जाए जिसकी वजह से ना ट्रेड हैम्पर हो और ना एनवायरमेंट पे उसका कुछ बैड इफेक्ट पड़े, ठीक है, जो कि शायद अपने में ही बहुत बड़ा चैलेंज भी है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज द हाईएस्ट लेवल इंटर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म इज द प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग एंड अप्रेजल ऑर्गन ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द फॉलो अप ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। It was the UNCED which had adopted the celebrated Agenda of 21 at Rio de Janeiro on June 14, 1992. तो UN General Assembly principal organ है United Nations का, ठीक है। इनका main काम क्या होता है कि ये policies को frame करते हैं और ये representative हैं United Nation Council में, ठीक। June 1992 में एक समिट हुई थी जिसको हम जानते हैं अर्थ समिट के नाम से, ठीक है, उसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, लेकिन उसको अर्थ समिट का नाम दिया गया था। और ये सबसे पहली समिट थी जिसमें कि वॉलंटरली जितनी भी इंटरेस्टेड कंट्रीज थी वो एक साथ आई, और वो किस मोटिव के लिए आई कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। ये मीटिंग कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरो में हुई थी ऑन जून 14, 1992, जिसमें कि इन्होंने एजेंडा 21 बनाया था। अब ये एजेंडा 21 का ये मतलब नहीं है कि इन्होंने 21 एजेंडाज बनाए थे जिनको वो फुलफिल करना चाहते थे, ये 21st सेंचुरी के एजेंडाज थे जिन्हें वो कंप्लीट करना चाहते थे विद इन अ टाइम पीरियड, ठीक है।
इसको आगे पढ़ लेते हैं. एजेंडा 21 रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स, डेवलपमेंट एजेंसीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिपेंडेंट सेक्टर ग्रुप्स इन एवरी एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट्स द एनवायरमेंट. तो एजेंडा 21 में यही बोला गया कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे अफेक्ट आ रहा है, उन सबको देखा जाएगा, ठीक, और उनको कंप्लीट किया जाएगा विद इन 21st सेंचुरी. मतलब कि उसके वजह से जो भी एनवायरमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट आ रहा है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, ठीक. और ये जो एजेंडा 21 था ये हमारा नॉन बाइंडिंग था, ठीक है. नॉन बाइंडिंग का क्या मतलब हुआ कि जितनी भी कंट्रीज हैं यूएन के अंदर आती हैं उनके ऊपर ये बर्डन नहीं था या कंपल्सरी नहीं था कि उनको ये ज्वाइन करना ही है. ये वॉलेंट्री था कि जो भी कंट्रीज, जो भी पार्टीज हैं वो इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक. और अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो इस टाइम पे एजेंडा 2030 वर्क कर रहा है जिसमें कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं, ठीक. अगर आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, नेट पे इजीली अवेलेबल है, ठीक है. द जनरल असेंबली इज असिस्टेड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विच कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन एजेंसीज एंड मेक्स रिकमेंडेशन. तो जनरल असेंबली को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल असिस्ट करती है और हेल्प करती है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की उनको कोऑर्डिनेट कर सके, और अगर कुछ रिकमेंडेशन की जरूरत है तो वो भी प्रोवाइड करती हैं. कौन? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, ठीक है. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता ही होगा. पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं एक बार बता भी देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सीधा यही मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको प्रेजेंट टाइम में यूज तो कर रहे हैं लेकिन हम उसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट ना कर दें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए ना बचे, ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक. तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई. So the United Nations Commission on Sustainable Development was a body under the UN Economic and Social Council tasked with overseeing the outcomes of the 1992 United Nations Conference on Environment and Development or Earth Summit, जो कि हमने डिस्कस किया भी. It was replaced in 2013 by the High Level Political Forum on Sustainable Development, which meets both under the General Assembly every 4 years and इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन अदर ईयर्स. तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो कि यूएन का ही पार्ट था, जो कि यूएन को असिस्ट करती है, उसके अंदर आती है, ठीक है. और ये किस लिए बनाई गई थी कि जो 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उसके क्या आउटकम्स रहे, इसको देखने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, ठीक है. लेटर 2013 में इसको रिप्लेस भी कर दिया गया था, ठीक. तो द CSD वॉज एस्टैब्लिश इन डिसम्बर 1992 बाय द जनरल असेंबली रेजोल्यूशन एज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इम्प्लीमेंटिंग अ रिकमेंडेशन ऑफ एजेंडा 21. द लैंडमार्क ग्लोबल अग्रीमेंट रीच्ड एट जून 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट और द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो दि जेनेरियो इन ब्राजील, ठीक है. तो ये जो काउंसिल है, ये जो कमीशन है, वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि जो एजेंडा 21 बनाया गया है उसके क्या आउटकम्स आए, इसको मॉनिटर करने के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉर्म किया गया था, ठीक. नेक्स्ट हमारा द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1972 टू गाइड एंड coordinate environmental activities within United Nations system. UNEP promotes international cooperation on environmental issues, provides guidance to UN organizations and through its scientific advisory groups encourages the international scientific community to participate in formulating policies for many of the UN's environmental projects. Headquartered in Nairobi, Kenya,
The organization also has encouraged participation by the private sectors to promote the sustainable use of world's natural resources. The United Nations Environment Program 1972 में established हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में. ठीक है, इसका मेजर रोल क्या था कि ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है और कोऑर्डिनेट करता है एनवायरमेंटल एक्टिविटीज विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स. ठीक है, प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है और इसकी जो साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है ये ऐसी पॉलिसीज को फॉर्म करती हैं जिसके थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से सेव कर सकते हैं या फिर जो भी एनवायरनमेंट पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इस पे ये डिस्कस करता है, इस पे ये पॉलिसीज को फ्रेम करता है. ठीक है, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड एनवायरनमेंट यूएनईपीज एक्टिविटीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉलोइंग एरियाज. पहला है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ. Because of its varied experience and background in the matters relating to the environmental laws and regulations on the global basis, the UNEP is in a unique position to work with other international organizations and national governments to clarify the legal issues. UNEP also functions as a secretariat for a number of international environmental agreements which use trade provisions to achieve their objectives. तो इसकी सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ. ठीक है, आप देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम बेसिकली किस लिए बनाया गया? एनवायरमेंट के लिए ही बनाया गया. ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूशन के पास एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा रहता है. ठीक है, और इनके पास बैकग्राउंड नॉलेज भी है रिलेटेड टू एनवायरमेंट. ठीक, तो ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी लीगल प्रोसेसेस हैं, ठीक, जिसके तहत प्रोडक्शन होना चाहिए या ऐसे प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए जिसके वजह से एनवायरनमेंट ना हैम्पर हो, ऐसी तमाम चीजें जो भी लीगल इश्यूज हैं वो कौन टैकल करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो इसीलिए इस एजेंसी के साथ, इस इंस्टीट्यूशन के साथ जितनी भी कंट्रीज हैं वो ट्रेड करती हैं, वो इनके साथ जुड़ी रहती हैं ताकि उनको आइडिया रहे कि वो जो प्रोडक्शन कर रही हैं और जो इनकी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रही हैं वो उस लीगल प्रोसेस के अंदर आ रही हैं नहीं आ रही, या फिर वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही हैं अगर, तो जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो उन्हें गाइड करता है. ठीक, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स. इन मई 1993 द गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूएनईपी अप्रूव द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक यूनिट इन यूएनईपी. तो 1993 में जिसकी गवर्निंग काउंसिल है उन्होंने क्या बनाया था, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक यूनिट को प्रिपेयर किया था. ठीक, इन अकॉर्डेंस विद इट्स प्रेजेंट वर्क प्रायोरिटीज द यूनिट विल लुक इनटू फोर कोर एरियाज. तो फोर मेजर एरियाज है जहां पे ये ओवरलुक करेंगी, वो ये है. पहला है हमारा द प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग. थर्ड है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज एंड द रोल ऑफ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स एज अ मींस टू हेल्प अचीव द एनवायरमेंटल गोल. तो यूएनईपी ने ऑन मई 1993 को एनवायरमेंटल इकोनॉमिक यूनिट को फॉर्म किया था और उसके फोर कोर एरियाज ये थे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनवायरमेंट एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. UNEP is also looking into the possibilities of feeding scientific data into the discussion on trade and environment. Such data refers to scientific information, monitoring and assessment techniques, risk assessment and information related to best available environmental technologies and environmental management. तो UNEP की एक और एक्टिविटी क्या थी, एनवायरमेंट और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन दोनों को रिकनसाइल करना. ठीक है, जो साइंटिफिक डेटा है उसको ट्रैक करना, ये साइंटिफिक डेटा की इंफॉर्मेशन होना. ठीक है, मॉनिटर करना, रिस्क को असेस करना और देखना या इंफॉर्मेशन निकालना कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डिप्लीट नहीं करेंगी, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगी और उनको प्रॉपरली मैनेज करना. ठीक है, तो ये क्या थी, यूएनईपी की एक्टिविटीज थी. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो किसी चैप्टर में, कमोडिटी अग्रीमेंट में हमने ये पढ़ा था, है ना, यूनिकैड एंड कमोडिटीज के बारे में. ठीक, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट.
It was established as a permanent intergovernmental body in 1964 and has 195 member states. The United Nations Conference on Trade and Development, जो कि United Nations General Assembly की main organ है, ठीक है, जो कि trade और development की field में काम करती है, ये establish हुई थी 1964 में और currently इसमें 195 member states शामिल हैं, ठीक? UNOC has a special role in the trade and environment field. Lines in policy analysis and debate, conceptual work, the buildings of consensus among the member states on the interaction between environmental and trade policies, the dissemination of information to policy makers and encouragement and provision of assistance in capacity building. Particular attention is to be given to the problems and special circumstances of the developing countries, including the least developed among them. UNICAT का जो मेजर रोल है वो ये है कि वो पॉलिसी को एनालाइज करती हैं और कंसेंसस बिठाने की कोशिश करती हैं बिटवीन एनवायरमेंटल एंड ट्रेड पॉलिसीज अमंग मेंबर स्टेट्स. ठीक है, एनवायरमेंट और ट्रेड पॉलिसी के बीच में एक मैं कहूँ अगर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं मेंबर स्टेट्स के बीच में. ठीक है, डिसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू पॉलिसी मेकर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली स्प्रेड करती हैं पॉलिसी मेकर्स के पास. और मेजर अटेंशन दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर कि उन्हें कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब है GATT एंड द एनवायरमेंट एजेंडा. With the increasing consumer awareness in the Western countries on the harmful effects of environmental pollution and degradation, there was also a greater consumer resistance to purchase of the products which were considered as environmentally unclean or buying goods from countries which continuously degraded or destroyed scarce natural resources. Environmental considerations began to exert increasing pressure on the international trade and GATT could no longer consider sidelining such important issues in its deliberations. With the passage of time, technologies हमारी upgrade हो रही हैं, consumer भी हमारे aware हो रहे हैं, उनके purchasing power भी बढ़ रही है, right? तो कुछ ऐसे products हैं जिनकी वजह से हमारे environment पे बहुत बुरा effect पड़ता है, लेकिन हम as a consumer उन products को खरीदते हैं. एक छोटा सा example लेती हूँ air conditioner का. गर्मी का time चल रहा है, सबके घर में लगभग AC होता ही है और हम लोग को इतनी बुरी आदत है कि हम लोग को एसी में सोने में काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है, राइट? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि एसी की जो गैस निकलती है वो कितना अफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को? ठीक है, तो इट इज़ समवेयर अफेक्टिंग आर एनवायरनमेंट, राइट? तो GATT मेन पर्पस हैज़ बीन टू मेक एंड कीप इंटरनेशनल ट्रेड एज ओपन एज पॉसिबल एंड इम्पोज अ सर्टेन डिसिप्लिन ऑन ट्रेड पॉलिसीज of the contracting parties. They should avoid protectionist method, in particular quantitative restrictions, and they should reduce and eventually remove trade barriers. तो GATT का main purpose क्या था कि trade को boost करना, right? अब trade को कैसे boost किया जा सकता था कि जो protectionist method जो जितनी भी countries है वो adopt कर रही थी कि वो दूसरी countries को अपने country में trade नहीं करने देती थी, इसको avoid करना, इसको remove करा गया, quantitative restrictions हटाया गया, trade barriers को remove किया गया ताकि जो trade है वो easily flow हो सके. ठीक है, तो ये GATT के main functions थे. This does not imply that GATT has been insensitive to the growing environmental concerns or that it had no specific mandate in this regard. GATT had felt that by fostering the integration of developing countries into the open trading system and with this the economic development, it would contribute to the improvement of environment also. अभी हमने GATT के मेन फंक्शंस पढ़े या मेन रोल पढ़ा, उसका क्या था कि वो ट्रेड को फोस्टर कर रहा था, ट्रेड को बढ़ा रहा था. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि GATT ने अगर ट्रेड को बढ़ाया है इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं था या एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हैं उसके लिए वो इनसेंसिटिव था या उसको कोई इसकी चिंता नहीं थी. ठीक, GATT ने ट्रेड को इसलिए बढ़ाया ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ट्रेड कर सकें और इसके थ्रू वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे. जब इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगी तभी वो अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाएंगी. ठीक,
डेवलपिंग नेशंस विच बिकम प्रॉस्परस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्री ट्रेड वुड बी एबल टू एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इन GATT का क्या कहना था कि अगर ये कंट्रीज जो कि प्रोटेक्शनिस्ट मेथड यूज कर रही थी, अगर ये फ्री ट्रेड में आ जाती हैं, ट्रेड करने लगती हैं, तो ये अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकती हैं, जिसके थ्रू वो अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगी। ठीक। इन अडिशन, बाय प्रिवेंटिंग द डेवलप्ड नेशंस फ्रॉम रिसोर्टिंग टू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल रीजंस, द GATT वुड नेसेसिएट द सर्च फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव्स विच वुड बी बोथ मोर एफिशिएंट एंड इक्विटेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। तो इन ऑल ये कहने का मतलब था कि GATT के जो मेजर रोल है वो ये है कि वो ट्रेड को बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनवायरमेंट के लिए कंसर्न नहीं है या एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है वो उसके लिए इनसेंसिटिव है या उसके बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, GATT का ये कहना था कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर वो ट्रेड नहीं करेंगी, फ्री ट्रेड पॉलिसी में नहीं आएंगी, तो वो अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली एलोकेट नहीं कर पाएंगी, और अगर रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पाएंगी तो वो अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है। और GATT ने इस पे भी एम्फसाइज किया कि वो बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढे जिसके थ्रू एफिशिएंट और इक्विटेबल प्रोटेक्शन हो सके एनवायरमेंट का, और ट्रेड भी हैम्पर ना हो और एनवायरमेंट भी इजिली प्रोटेक्ट हो पाए। ठीक है। द न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉन मच फर्दर एंड इंट्रोड्यूस्ड अ प्रीएम्बल विच स्पेसिफिकली सपोर्ट्स द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड द गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब ये सब बातें हुई उसके बाद WTO ने इंट्रोड्यूस किया एक प्रीएम्बल जिसमें कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने अपने प्रीएम्बल में इसको मेंशन किया। ठीक है। इन फ्यूचर इट शुड नो लॉन्गर बी पॉसिबल टू ओवर रूल एनवायरमेंटल कंसर्न्स विद द फ्री ट्रेड आर्ग्यूमेंट। अ GATT वर्किंग ग्रुप वॉज एस्टैब्लिश टू सॉर्ट आउट द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड ट्रेड ऑन द वन हैंड and conditions under which trade measures might be utilized to achieve environmental policy objectives on the other. एक working group को form किया गया था GATT के अंदर जो कि conflicts को sort out करेगा between environmental policies और trade policies के बीच में जो भी potential conflicts हैं उनको sort out करेगा। ठीक है। Secondly क्या करेगा कि जो भी trade measures हैं, ठीक है, अगर उनके थ्रू हमारे एनवायरमेंटल पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स कुछ अचीव हो सकते हैं तो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। न्यू रूल्स हैव टू बी वर्कड आउट टू मेक ट्रेड एंड एनवायरमेंट म्यूचुअली सपोर्टिव। एनवायरमेंट इज नाउ वेल एंड ट्रूली एंट्रेंच इन द GATT और WTO एजेंडा एंड नो ट्रेडिंग नेशन कैन अफोर्ड टू इग्नोर दिस फैक्ट। तो अब जितनी भी ट्रेडिंग कंट्रीज हैं उनको एनवायरमेंटल इश्यूज को ध्यान रखते हुए ही ट्रेड करना पड़ेगा, और ये अब GATT या WTO के एजेंडा में शामिल है। ठीक है। तो कोई भी ट्रेड अब ऐसे नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से एनवायरमेंट को कोई अफेक्ट पड़े। ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। हालांकि आप फीडबैक देते हैं, मैं पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ सबको। मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग कहते हैं कि आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।